हॉरर कहानियां थी। रहस्यमय गर्भ। 60 वर्ष की उर्मिला शहर के बाहरी हिस्से में अपने छोटे से घर में अकेली रहा करती थी। एक रात शहर में बहुत जोर का तूफान आया। जोर शोर से हवाएं और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। उन आवाजों को सुनकर कोई भी घबरा जाता, लेकिन उर्मिला घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर गहरी नींद में सो रही थी। रात के लगभग 12 बजे होंगे कि किसी ने उर्मिला के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर उर्मिला की नींद खुलती है। आखिर इतनी रात को कौन आया होगा? उर्मिला जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने लगभग 26 साल की बेहद सुंदर लड़की को खड़ा देख हैरान रह जाती है। कौन हो बेटा, और इतनी रात को इतने भयंकर तूफान में कहाँ भटक रही हो? चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी दूर की रिश्तेदार शालिनी। अरे हाँ, बचपन में तुझे देखा था। इतनी जवान हो गई है, कैसे पहचान में आती? लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है, और वो भी ऐसी अंधेरी तूफान भरी रात में? उर्मिला की बात सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उर्मिला को कुछ समझ में नहीं आया और उसने शालिनी का हाथ पकड़कर घर के अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही शालिनी घर के अंदर रोशनी में आई, उर्मिला की नज़र उसके पेट की तरफ गई, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अरे, तू तो पेट से है, ऐसी हालत में, इतने भयंकर तूफान में आधी रात को बाहर भटक रही है। आखिर बात क्या है बेटा, मुझे सब कुछ साफ साफ बता। क्या बताऊँ चाची, ये सब जिसकी वजह से हुआ है उसके बारे में बताने में भी मुझे शर्म आती है। मैंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी कर ली थी, पर वो शादी के 1 महीने बाद ही मुझे छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया का क्या मतलब? क्या उसके साथ कोई हादसा हो गया? नहीं, उसे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई और मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही उसने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने घर गई, लेकिन माँ पापा ने मुझे घर में कदम तक नहीं रखने दिया। तभी मुझे आपकी याद आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने यहाँ आकर अच्छा ही किया। एक काम करो, तुम आराम करो। वैसे भी ऐसी हालत में इतना घूमना फिरना और इस तरह आधी रात को बाहर भटकना ठीक नहीं होता। प्रेग्नेंट औरत को आधी रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बुरी आत्माएं उस पर अपना असर दिखा सकती है। और इतना कहकर उर्मिला ने शालिनी को एक दूसरे कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही शालिनी अपने कमरे में जाने लगी, अचानक से उर्मिला ने उसे रोक लिया। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? पेट देखकर तो लगता है कि लगभग 6 महीने पूरे हो गए होंगे। उर्मिला की बात सुनकर शालिनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। चाची जी, अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। शालिनी की बात सुन उर्मिला दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेगनेंसी के पहले ही महीने में शालिनी की हालत ऐसी क्यों थी। लेकिन फिर उसने बात को नज़रअंदाज कर शालिनी को आराम करने के लिए कहा और खुद भी कमरे में जाकर सो गई। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक से एक बच्चे के बड़े ही अजीबोगरीब बेढंगे तरीके से रोने की आवाज़ें उर्मिला के घर में गूंजने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर उर्मिला की नींद फिर से खुलती है। ये अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आने लगी? उसने उठकर चारों तरफ देखा, पर वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। उर्मिला घबराते हुए शालिनी के कमरे में गई तो वहाँ उसे कमरे की दीवार पर एक बेहद खौफनाक साया नजर आया, जिसे देखकर उर्मिला बुरी तरह से घबरा गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? शालिनी, शालिनी उठो! उसने जोर जोर से आवाज़ देकर शालिनी को जगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ शालिनी तक पहुंच ही नहीं रही थी। कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ा और बेहद डरावने दिखने वाले इंसान का साया और एक बच्चे के अजीबोगरीब ढंग से रोने और चीखने की आवाज़ें अब उर्मिला को ज़्यादा डराने लगी थी। उर्मिला को शालिनी की चिंता सताने लगी और उसने पूरी ताकत के साथ चीख कर शालिनी को आवाज़ लगाई। शालिनी! तभी अचानक सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाता है और उर्मिला की आवाज़ सुनकर शालिनी की नींद खुलती है। क्या हुआ चाची, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं?
अब ठीक तो है ना? अभी अभी मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ अजीब सा देखा। तुम ठीक हो ना शालिनी? मुझे यहाँ एक बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। लगता है आपको मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई है। आपने मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया होगा। मैं एकदम ठीक हूँ, आप आराम से सो जाइए। इतना कहकर शालिनी ने उर्मिला को फिर से अपने कमरे में जाने के लिए कहा और खुद भी जाकर सो गई। पर अब उर्मिला की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब शालिनी उठी तो वो सीधा उर्मिला के पास आई। गुड मॉर्निंग चाची। तभी अचानक उर्मिला की नज़र शालिनी के पेट पर पड़ती है, जिस पर नीले रंग से एक अजीब सी आकृति नजर आ रही थी। शालिनी, ये तुम्हारे पेट को क्या हुआ? मैंने इतनी औरतों को देखा है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। शालिनी ने जैसे ही अपने पेट की तरफ देखा तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। चाची, कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, आपको क्या अजीब लग रहा है? इससे पहले कि उर्मिला उसके सवाल का कोई जवाब देती, अचानक से शालिनी के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। वो बुरी तरह दर्द से तड़पने लगी। चाची, चाची। ये सब देखकर उर्मिला बहुत घबरा गई। उसने धीरे धीरे शालिनी के पेट को सहलाना शुरू किया, लेकिन शालिनी का दर्द कम नहीं हुआ। उर्मिला जाकर रसोई से पानी का गिलास लेकर आई और शालिनी को पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। ले बेटा, पानी पी ले, तुझे आराम मिलेगा, ले ले। नहीं चाची, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे थोड़ा पी ले बेटा। जैसे ही उर्मिला ने शालिनी को पानी पिलाया, उसने देखा कि गिलास में बचा पानी का रंग नीला पड़ गया और शालिनी की आंखें अजीब हो गई। उसके पेट पर बच्चे का एक डरावना चेहरा नजर आने लगा। ये सब देखकर उर्मिला की डर से हालत खराब होने लगी, पर तभी शालिनी का दर्द ठीक हो गया। बेटी, अभी तुम्हारा दर्द ठीक है, तो ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। शालिनी को आराम करने के लिए कहकर उर्मिला तेज कदमों से चलकर घर से बाहर निकल जाती है और पास ही रहने वाली एक औरत कालिंदी के पास पहुंचती है। अरे उर्मिला बहन, बड़े दिनों बाद दिखाई दी, क्या हुआ? बहुत घबराई हुई सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? क्या बताओ कालिंदी बहन, मेरी एक दूर की रिश्तेदार आई हुई है, वो पेट से है और उसके साथ ना अजीब अजीब चीजें हो रही है। अब उर्मिला सारी बात कालिंदी को बताती है, जिसे सुनने के बाद काले जादू और तंत्र विद्या की माहिर कालिंदी एक ताबीज बनाकर उसे देती है। बहन, मुझे शालिनी पर किसी बुरी आत्मा का साया लगता है, ये ताबीज ले जाओ, आज रात को 12 बजे उसे पहना देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उर्मिला ताबीज लेकर घर वापस आती है और अब आधी रात के होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही आधी रात होती है, वो नींद में सोई शालिनी को ताबीज पहना शांति से अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट जाती है। अब सब ठीक हो जाएगा, ये सोचकर उर्मिला शांति की एक सांस ही लेती है कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उर्मिला डर से चीखने लगती है। तुम कौन हो? कौन है तुम? जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। तभी उर्मिला की एक जोरदार दर्द भरी डरावनी चीख वहां पर गूंज गई। उर्मिला की आंखों के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था, जिसका पूरा शरीर किसी बूढ़े की तरह नजर आता था, लेकिन मुंह किसी नवजात बच्चे की तरह था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वो घूर घूर कर उर्मिला की तरफ देखा जा रहा था। कौन हो तुम? कौन हो? उर्मिला के चीखते ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। घबरा कर उर्मिला ने अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? जाओ, जाओ यहाँ से। आखिर तुम हो कौन? तभी अचानक से उर्मिला के पूरे घर में लाल रंग की रोशनी फैल गई। वो बच्चा धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उर्मिला की तरफ बढ़ने लगा। किसी नवजात पैदा हुए बच्चे के जैसे उसके रोने की आवाज अब उर्मिला के कानों में गूंज रही थी। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो चुप हो गया और उसने बेहद खतरनाक आवाज में उर्मिला के सवाल का जवाब दिया। मैं वो हूँ जो अब तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ।
ये क्या कहना चाहते हो तुम? ऐसा क्या हुआ जो अब तक नहीं हुआ? तबाही होगी, तबाही। सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये जो लड़की मुझे जन्म देने वाली है, मैं उसका खून पी जाऊंगा, सारा खून। उस बच्चे की बात सुनते ही उर्मिला बुरी तरह घबरा गई। उसका एक बुजुर्ग आदमी जैसा शरीर, एक नवजात बच्चे जैसा चेहरा, ये दोनों ही बातें उर्मिला की समझ से बाहर थी। तभी वो बच्चा अचानक गायब हो गया। घर का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। लाल रंग की रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। उर्मिला दौड़कर शालिनी के कमरे में पहुंची, जहां वो गहरी नींद में सोई हुई थी, पर उसके गले का ताबीज गायब हो चुका था। उठो उठो शालिनी, उठो बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे चाची, क्या हुआ? इतनी रात को आप परेशान क्यों कर रही हैं? सब ठीक है ना? अभी जब तुम सो रही थी ना, तो मैंने तुम्हारे गले में एक ताबीज पहनाया था। कहाँ गया बेटा, बताओ मुझे। शालिनी ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई ताबीज नहीं था। वह हैरानी से उर्मिला के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उर्मिला किस ताबीज के बारे में बात कर रही थी। नहीं चाची, यहाँ कोई ताबीज नहीं है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। खैर छोड़ो, तुम अब सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। डर और घबराहट की वजह से उर्मिला की आंखों से नींद तो जैसे बिल्कुल गायब हो गई थी। अगली सुबह उर्मिला बिना कोई देर किए गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े पंडित के पास पहुंची। पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। अरे आओ आओ उर्मिला, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बताओ पंडित जी, बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरी दूर की एक रिश्तेदार लड़की पेट से है और उसके साथ बहुत डरावनी चीजें हो रही है। कल रात को तो एक अजीब सा दिखने वाला बच्चा मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुमने क्या देखा? उर्मिला ने अपने साथ हुई बीती रात की पूरी घटना पंडित जी को बताई, जिसे सुन पंडित जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनर्थ होने वाला है, अनर्थ। बरसों पहले भी उस हैवान ने एक लड़की के पेट से जन्म लिया था और उसके बाद उस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कैसी विपदा पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए मुझे, और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। हो सकता है कि उस उपाय को करने के दौरान तुम्हारी जान भी चली जाए। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं, पर आप जिस तबाही के बारे में बात कर रहे हैं, बस वो नहीं होनी चाहिए। लाखों लोगों की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बरसों पहले एक भयानक तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रिया के जरिए एक मासूम लड़की के साथ रिश्ता बनाकर उसके पेट से जन्म लिया था। इस तरह से वो अपने जैसे लोगों की संख्या इस दुनिया में बढ़ाना चाहता था। के कहने का मतलब है कि शालिनी के पेट से भी उस शैतान को जन्म लेना है, इसलिए उसने उसके साथ ये सब किया है। ठीक पहचाना तुमने। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सिंदूर दूंगा जिसे तुम्हें ले जाकर उस लड़की के पेट पर लगाना होगा। क्या ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं उर्मिला, ये सब इतना आसान नहीं। उस लड़की के पेट पर सिंदूर लगाने के बाद तुम्हें उसका पेट काटकर उस हैवान को बाहर निकालना होगा। नहीं पंडित जी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं भला एक जिंदा लड़की के पेट को अपने हाथों से कैसे काट सकती हूँ? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ ही दिनों में वो हैवान उस लड़की के शरीर से जन्म लेगा और उसके शरीर के सारे खून को पीकर अपनी ताकत को बढ़ाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे इस पूरे शहर को तबाह कर देगा। यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं उसके पेट को काट दूंगी तो क्या वो जिंदा बच पाएगी? अगर शालिनी को कुछ हो गया तो, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा उर्मिला, तुम्हें अपने मन को पक्का करके ये काम करना ही होगा। सिंदूर लेने के बाद उर्मिला झोपड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पंडित जी ने उसे पीछे से आवाज देकर रोका। उर्मिला, उस लड़की का पेट काटकर हैवान को बाहर निकालना ही काफी नहीं होगा,
तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये सब करते हुए उस बच्चे का जो आधा बूढ़े का शरीर है उस पर सिंदूर की एक बूंद भी ना लगने पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें और बाकी सबको कच्चा खा जाएगा। पंडित जी की बात सुन उर्मिला की आंखें फटी रह गई और उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। फिर भी उसने हिम्मत की। ठीक है पंडित जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस हैवान को वहीं के वहीं खत्म कर पाऊं। इसके बाद उर्मिला तेज कदमों के साथ घर वापस आती है। दिन बीतता है, रात का अंधेरा छाने लगता है। शालिनी खाना खाकर सोने चली जाती है और उर्मिला लगातार उसके गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करने लगती है, जिसके बाद उर्मिला दबे कदमों से शालिनी के कमरे में पहुंच गई। मुझे ये करना ही होगा। अब उर्मिला ने धीरे धीरे शालिनी के पेट पर पंडित जी का दिया सिंदूर लगाना शुरू किया। उर्मिला के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसके एक हाथ में चाकू था जिससे वो पेट काटने वाली थी। उर्मिला ने एक नज़र शालिनी के चेहरे की तरफ देखा और फिर डरते हुए उसके पेट पर चाकू चलाना शुरू किया। कमाल है, मैं इसका पेट काट रही हूँ और ये आराम से सो रही है, इसे दर्द नहीं हो रहा क्या? तभी अचानक उर्मिला के कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा पर वहाँ पर कोई नहीं था, बस रोने की आवाज लगातार आ रही थी। उर्मिला बिना रुके लगातार शालिनी के पेट को काटती रही। उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि सिंदूर बच्चे के बूढ़े आदमी वाली शरीर के हिस्से पर ना लगे। कुछ ही देर में वो हैवानी बच्चा उर्मिला के हाथों में था। उसने बड़ी ही सावधानी से उस बच्चे को बाहर निकाला और पंडित जी के कहे अनुसार उसे घर से दूर जलाने के लिए ले गए। पर तभी उसके सामने वही बूढ़े शरीर और बच्चे के चेहरे वाला बच्चा आ गया। अपनी गोद में और सामने भी बच्चे को देखकर उर्मिला हैरान रह गई। मुझे मारोगी? मुझे? इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम्हारी? तुम पैदा नहीं हुए हो और मुझे पता है जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हो जाता तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलते ही उर्मिला तुरंत उस बच्चे को घास के ढेर पर फेंक कर उसमें आग लगा देती है, जिसके तुरंत बाद वो बूढ़े आदमी के शरीर और बच्चे के चेहरे वाला अजीब तांत्रिक का भूत भी वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उर्मिला घर पहुँचती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि शालिनी का पेट अपने आप जुड़ चुका था। शुक्र है भगवान का और उन पंडित जी का, अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह शालिनी सोकर उठती है तो अपना पेट देख पूरी तरह घबरा जाती है। चाची चाची, ये सब क्या हो गया? मेरा पेट अचानक कम कैसे हो गया? मेरा बच्चा कहाँ गया चाची? बेटी, वो बच्चा नहीं, एक खतरनाक तांत्रिक था जो तुम्हारे कोख से जन्म लेकर सबको मार देना चाहता था। वो पैदा होते ही तुम्हारी जान भी ले लेता, इसलिए मैंने पंडित जी के बताए उपाय से उसका खात्मा कर दिया है। अब सब ठीक है। शालिनी को उर्मिला की बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद शालिनी को पूरी बात उर्मिला आराम से समझाती है। अब वो दोनों ही भगवान का शुक्र अदा करती हैं और एक साथ रहने लगती हैं।